अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे है एंड हम जा रहे हैं गोवा के लिए। एंड ये स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहाँ पे मुझे हमेशा यादें आती रहती है, क्योंकि मेरे सब दोस्त यहीं से जाते हैं, कहीं सिक्किम जाते हैं, कहीं त्रिपुरा जाते हैं। सो इट्स अ रियली इमोशनल प्लेस फॉर मी एंड अभी मैं भी जा रहा हूँ, बट नॉट टू द प्लेस बट आई एम गोइंग टू गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे देखोगे आप हमारे अलग अलग ब्लॉग्स आने वाले हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक। एंड लीना भाई एक्साइटेड, इतना झगड़ झगड़ के हम साथ में जा रहे हैं। हमारी जाति क्या बोलते, हमारी चल क्या बोलते उसको, मेरी आती नहीं तेरी जाति नहीं, क्या था वो, मेरी आती नहीं जाति नहीं, ओके जो भी था। सो लेट्स सी हमारा डब्बा कहाँ पे, बहुत आगे यार। सो अभी हम बैठे हैं ट्रेन में, अपनी जगह मिल गई हमें, हमें अभी थोड़ा देर के बाद चना भेल गरम बेचेंगे यहाँ पे थोड़ी देर में। कौन कहाँ सोएगा तू, ऊपर कौन सोने वाला है, तो मैं सोने वाला हूँ, इधर नीचे सो, तू नीचे सोएगा, मैं ऊपर सो जाता, मेरा फेवरेट जगह नीचे, मतलब ये नीचे सूटकेस। और तब ठंड वंड लगी ना तो बोलना मत, अरे चादर ला, अरे मैं भी ले गया, मैं भी ले गया, ठंड लगी तो सेंसर। सो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने आ रहा हूँ ये झटपट भेली का, भाई फोन ना चोरी झटपट भेल के चक्कर में झटपट फोन ना गया बजा, चलो अनबॉक्सिंग ही हो रहा है। हाँ इधर दिख रहा हूँ ना भाई, है ना आ गया ना डस्टबिन, थोड़ा हाँ भाई टेंशन मत ले। सो ये बेल यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है, मेरे के नाम पे डब्बा मिल गया। एंड यहाँ पे ऐसी चटनी है, और यहाँ पे स्पून भी है, क्रेजी। चलो दिखाते खाएंगे, दिखाता ये है रेड सॉस, यहाँ पे है इसका ये टैमरिंड यानी मीठा सॉस, और यहाँ पे है ये ग्रीन चटनी सॉस, मैं इन सबको मिक्स करके डालने वाला हूँ इसमें, तो मिक्स कर नहीं पाऊँगा, सो आई जस्ट ईट इट डायरेक्टली। मैंने पूरी मशक्कत की है यहाँ पे 5 मिनट लगा के, एंड यहाँ पे मेरा सब मिक्स हो चुका है, एंड नाउ आई विल बी शफलिंग दिस ऑफ, आई होप इट टेस्ट गुड, टेस्ट इट, क्या बोलना। सो देखते हैं हमने क्या बनाया, इज इट अ डिजास्टर और गुड वन, लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ पे जरा प्रीटी गुड, मैंने हरी चटनी खाली कोटे डाल दिया, उसके चक्कर में तो आप फ्लेवर ख़राब हो गया। ये लोग यहाँ पे इडली बना रहे हैं, ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ अभी, ये मेरा घर है अगले 12 घंटे के लिए। सो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अभी सोऊंगा, सो ये मेरा बेडशीट है, एंड ये पीछे देखते हैं इंडियन रेलवे वाले, ताकि अपना सिर जो है ना ट्रेन में टक्कर ना खाए, तो ना सिर पे लग जाए उसके लिए। सो अभी सोऊंगा यहाँ पे, हाँ फेवरेट स्पॉट, जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ पे रहता हूँ। आई बिलीव दिस इज अ सेफर वर्जन और टू स्टे, क्योंकि मिडिल बर्थ तो बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही लोअर बर्थ, सो दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस टू स्टे इन द ट्रेन। रात के 12 बजे समोसा खाऊंगा, तो सोचा नहीं था, बहुत अच्छा समोसा है। IRCTC से खाना मतलब बहुत बेकार खाना बनता है, सब ये जो आते हैं ना वेंडर्स उनके पास से लेना, फ्रेश रहता है। इसलिए अभी आके मैं सोता हूँ, टिल देन बाय। ये मेरा गांव है और ये जो स्टेशन है यहाँ पे कनकौली, अब इस बार यहाँ पे नहीं उतर रहे, लास्ट टाइम उतरे थे यहाँ पे, अब अलग जगह पे उतरना है। थोड़ा कैसी थी नींद, आई क्या तेरे को? बहुत अच्छी नींद आई, थोड़ा टाइम दोनों सो ही रहे थे, बाकी एरिक और जेवियर हम लोग
एक एक करके चौकीदारी कर रहे थे लगे। अच्छा, नहीं मैं तो पूरा सो गया था, मेरे को मालूम नहीं। और जीवे इतना टेंशन में क्यों लग रहा है तू? क्योंकि वो डरता है ट्रेन से। क्या करूं यार, सबको आती नहीं। अच्छी हूं। तो अभी जाके करेंगे क्या? मेरी शॉपिंग। ओके, ट्रेन छूट रही है। ट्रेन चालू हो चुकी अपनी, थोड़ा अंदर आओ तो खेमा बन जाएगा। या मैन, थोड़ा ऊपर ही आ जाता हूं। यहाँ पे क्या अलग है, बिकॉज ये कोंकण रीजन है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम टिल कर्नाटक। सो लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंट हियर। थ्रो द फटफट। ये लेट्स गेट डाउन। कहाँ जा रहे हैं भाई? गोवा। गोवा तो आ गए, लेकिन गोवा में कहाँ जा रहे हैं? गोवा में जा रहे हैं जी में। ओके, देखो जिम का मेंबरशिप इसके लिए भरा जाता है। कुछ भी उठा रहे हैं ऐसे वीडियो के लिए दिखाने के लिए। दो सूटकेस उठा रहा हूँ, एक उसमें से मेरा नहीं है। अच्छा, मेरा कौन सा वाला है? छोटा। तो दो उठा रहा है, देखो दिखाता हूँ। ऑलवेज ऑन फोन भाई, पता नहीं इसका क्या रहता है फोन पे। एंड ये देखो मैं तीन बैग उठा रहा हूँ, दो उठा रहा बिना जिम जाए, इसको कहते हैं असली। और एक मेरे को उठा रहा है। सो दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो नई जगह पे, सो सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है कि मतलब आप स्टेशन तक पहुंच जाते हो, ठीक है। प्रॉब्लम वहां पे होती है जब आप अंदर आप जाना चाहते हो कहीं और। ओके, तो जैसे कि अभी हम जा रहे हैं कैलंगुट बीच के यहाँ पे। सो वहां पर ना जाने के लिए कम से कम 800 रुपया लगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसका अभाव कम ज़्यादा होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन विच यू गो। सो सीजन समझ के जाइएगा। अगर ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन में आपको ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ना कि वहाँ पे चले जाएंगे तो रिटर्न आने में खाली आता है, राइट। सो ये हर जगह पे ऐसी प्रॉब्लम, मुंबई में भी अपने प्रॉब्लम है ये। मुंबई में बहुत, अभी मैं आ रहा था LTT जा रहा था ना, तो LTT वाला बोलता बंदा कि मेरे को भाड़ा नहीं मिलेगा। वाला भाई तो मुंबई में रहता है, तो भाड़ा हर टाइम मिल जाएगा, यू नो। सो ये सब चीज़ें थी। सो ऑलवेज कैरी कैश व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, एटलीस्ट 2,000-4,000 रुपये तक, 5,000 रुपये अपने हाथ में कैरी करो कि पता नहीं आपको कितना अंदर जाना पड़े, ठीक है। उसके लिए अरे अपना होटल कौन सा है लेकिन? और ये वाइट वाला है, नील रत्न। मैं हील रत्न सर्च कर रहा था कब से। ऐसे है ना ऊपर। ये हमारा होटल का रूम आपको दिखाया मैंने। सो ये जो है होटल का रूम, इसका सीन बताया कैसा है कि ये छोटा सा है, प्यारा सा है, गुड, क्वाइट गुड फॉर टू पीपल। एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, हम भाई लोग सब रहने वाले साथ में, मस्त एकदम मज़े करेंगे। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सो जाऊँ, तो फ़ोन को चार्ज पे लगाओ और फिर उठ के चला जाओ घूमने फिरने के लिए। हाँ, बस यहाँ पे यही है, शांति अच्छी है यहाँ पे, थोड़ा अपने कोंकण जैसा ही है। फर्स्ट फर्क इतना है, इसमें ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, हमारे कोंकण में टूरिस्ट कम आते हैं। एंड यहाँ पे छोटा स्टेट है इंडिया का सबसे, तो यू नो, तो स्पेस भी बहुत कम है। एंड यहाँ पे आपको ट्रैफिक हर जगह पे मिलेगा, बट यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। एंड ट्रैफिक पुलिस वाला एक जगह पे मिला था, एक टर्निंग पॉइंट पे, बट नॉट दैट मच। एरिया में मैं हूँ अभी, वो वसई जैसा दिखता है पूरा, वसई वेस्ट जैसा, मतलब एंग्लो इंडियन घर जो है ना, बड़े बड़े बंगले रहते हैं वैसे, यहाँ पे होटल है काइंड ऑफ लाइक दैट। सो अभी हम जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे? खाने खाने बीच पे हम लोग जा रहे हैं, बीच पे। ओके, लेट्स गो ऑन द बीच एंड सी, वहाँ पे फॉरेनर रहेंगे क्या? क्या क्या क्या? कुछ नहीं, नथिंग। इस रही बात यहाँ पे घूमने की, तो एक बात कहना चाहता था, अगर आपको धूप पसंद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे धूप जो है वो हीट जो कहते हैं ना, मतलब एयर में जो हीट होती है, एयर की हीट कम है लेकिन सनी बहुत है गोवा, ठीक है, बहुत तेज़ धूप निकलती है, सीधा आँख में चुभती है। सो सनग्लासेस लेके आना, एंड अगर टैन होने का डर लगता है तो सनस्क्रीन लगा लेना, और क्या। ये खासियत है
यहाँ पे एक सामने ही मंदिर है और यहाँ पे एक चर्च भी है। दिस इज रियली गुड टू सी द हार्मनी बिटवीन दी टू रिलीजन्स एंड यहाँ पे सब एकदम बोलते ना एक साथ रहते हैं। ये कुछ ऐसे रास्ते हैं गोवा के, आपको देख के लगेगा कि आप कहीं पे है ना फॉरेन कंट्री में आए हो करके, थोड़ा सा वैसे टाइप का है। यहाँ पे देखो ये बिरयानी सब मिलती है। बोलो किधर है, यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना। ये इनका नॉनवेज और ये हम दोनों का वेज, अच्छा खासा। यहाँ पे ये मैंगो लस्सी है जो बिल्कुल लस्सी ऐसी नहीं लग रही है, तो को लग रही है लीना ये ठीक है, उससे अच्छी है। ओके वेरी गुड, बट क्या पता नहीं। सो यहाँ पे अभी हम बाइक राइड करते हुए सड़कों पे गोवा के, सनी सा गोवा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम जा रहे हैं कैलम्बुर बीच करके जगह नॉर्थ गोवा के ऊपर। यहाँ पे वैसे यहाँ पे आप घर देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है मैं कहीं वैसे विरार का जो एरिया है ना ऐसा ही है पूरा। ये बस पता कितना है कि यहाँ पे है ना ये अलग स्टेट है, ये सीन है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टूरिस्ट है। मतलब क्या बोलूँगा आपको, हर इंसान जो दूसरा आपको मिलेगा वो टूरिस्ट ही है यहाँ पे, ठीक है। खाना पीना जो खाना खाया थोड़ी देर पहले ठीक ठाक था, प्राइस भी ओके ओके था। बट आई टेल यू वन थिंग, बड़े होटल में जाने से अच्छा छोटा होटल ट्राई करो जहाँ पे सस्ता मिले, क्योंकि यहाँ पे जो होटल था उसमें दिखाया बहुत बड़ा क्वान्टिटी। तो वैसे रोज आने वाले नहीं है, फिर बता रहा था आपको मैं। ऐसी ऐसी शॉप्स है जहाँ पे यू विल गेट थिंग्स लाइक शर्ट्स एंड ऑल। गोवा काजू हाउस, ओ माय गॉड काजू इतने सारे। ग्रुप से अलग होके यहाँ पे बाहर आया हूँ एंड ये अपना नॉर्मल जूबी जैसा ही है, मतलब इसका क्राउड जो आता है जैसा वैसे टाइप का। इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स है एंड इन पागलों को पता नहीं क्या होता है यहाँ पे, हमें इतनी गंदी धूप लग रही है, चश्मा टोपी सब पहन के यहाँ पे आए हैं और ये लोग नलायक लोग यहाँ पे नंगे घूम रहे हैं। मैं कहता पूरे नंगे नहीं कुछ टैन होना है सालों को, पता नहीं कैसे टैन होते हैं। बट यहाँ का जो है ना मैंने देवगढ़ बीच पे जो देखा था ना जो व्यू था वैसे टाइप का ही व्यू है एंड यहाँ पे बहुत तगड़ी व्यूज है। हीट जो है यहाँ पे ज़मीन जो है बहुत गर्म है एंड यहाँ पे ये मिट्टी चिपकती नहीं पाऊँ पे, सब थोड़ा मैं जाना पानी के पास और देखते हैं पानी कैसा है। एकदम बहुत बहुत फास्ट व्यूज है यहाँ पे। देखो भाई साहब सामने पैरा सीलिंग की एक्टिविटी चल रही है, देख रहा हूँ चलो अभी हम समंदर से हाथ मिला के आते हैं। ये ठंडा पानी है, काफी ठंडा पानी है यहाँ पे। वेव्स देखो भाई, वेव्स काफी बड़ी है और बहुत फास्ट भी है। ओह माय गॉड यहाँ पे भागना पड़ेगा, तो पूरा गीला हो जाऊंगा मैं, आधा गीला यहाँ पे हो चुका हूँ। एक बात कहना चाहता था कि वहाँ के कोई भी बीच पे आओ ऐसे कपड़े मत पहन के आना भाई, वैसे गलती हो गई बहुत बड़ी। आई मीन एटलीस्ट पैंट जो है और चप्पल जो है क्रॉक्स आते हैं ना जो वो पहन के आना चाहिए, तो लेकिन ऐसे फुल पैंट मत पहन के आना। पहन रहे तो है ना वो गोवा वाले कपड़े आते हैं ना वही पहनो, बेस्ट है सूटेबल वेदर के लिए और इस जगह के लिए। मैं फंस गया तो आप फंस जाओगे। अभी यहाँ पे गोवा के स्ट्रीट्स का खेला था एंड यहाँ पे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करा था। सो बेसिकली यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं ना मुंबई में सस्ते मिलते हैं, अगर आप अपने यहाँ से आ रहे हो वहाँ से लेना कपड़े सस्ते मिलेंगे। यहाँ पे कपड़े काफ़ी महंगे हैं एंड कोई भी रेट लगा देते हैं, मतलब आप टूरिस्ट हो तो आपका लुटना ज़रूरी है ऐसे टाइप का। मैंने एक शर्ट देखा, वो शर्ट और उसका एक पैंट का सेट का जो इतना भी खास क्वालिटी का नहीं था, सो ही वॉज आस्किंग 650 फॉर बोथ ऑफ देम। हमने एक भाई 650 बहुत महंगा है एंड बाकी जगह पर लेकर 250 का शर्ट है एंड 250 की पैंट है, ठीक है। सो ही वॉज चार्जिंग दैट मच एंड हम लाइक छोड़ दे भाई नहीं करना तेरे पास से। एंड हाँ काजू यहाँ का बहुत फेमस है, इफ यू कम टू गोवा डोंट फॉरगेट टू टेक काजू, जो यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है लाइक 500 rupees किलो तक ऐसा कुछ है एंड कम करके तो और कम भी दे देते। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा। अभी यहाँ पे बचे हैं 6:15 अभी राइट नाउ। यहाँ पे आप शॉप्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही शॉप्स है, हर चीज़ के शॉप्स है यहाँ पे। आई मीन यू विल सी लाइक यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे सस्ते मिलते रहेगा, जितना बीच से दूर होगा उतना सस्ता मिलेगा आपको। और हाँ सन अभी तक सेट नहीं हुआ है,
एंड ये यहाँ की बस रॉकेट ट्रैवल्स, देखो कैसी खतरनाक बस है, हॉर्न नहीं मारती है। और सामने फॉरनर देखो यार, यहाँ पे इतने हैं ये लोग कि पूछो मत। ऐसा लगता है ना कि वडवी से, आई मीन ये कहाँ से आ जाता है ये लोग, पता नहीं कौन से देशों से आते हैं, उनको पता नहीं गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती, क्या नहीं लगती। लिटरली आपने जो सोचा रहेगा ना कि गोवा में ऐसा लाइक यू नो बिकनी पे ऐसा दिखेंगे वेखेंगे, तो ऐसा स्पेसिफिक जगहों पे होता है। जो अभी मैं जिधर गया था ऐसा कुछ था नहीं, सब फैमिली वैमिली थी वहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी है जो फॉलो करने ही पड़ते हैं। एंड यहाँ पे आपको वाइन शॉप्स, उसके बाद आपको वो टैटू वाले एंड इवन गेट द काजू वाला, कपड़ा वाला, सब एक लाइन में ना कंटिन्यू से लगता है ना कि आप लिंकिंग रोड में आए हो जो ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक। देख रहे हो गोवा में मेरा पहला सनसेट है, एंड दिस इज सम स्मॉल लेक हियर। जो लेक है बहुत सेक्सी है, व्यू अच्छा है, और यहाँ पे बाजू में एक चैपल है। गाड़ी तुम्हारी बहन चलाएगी, भाई नहीं चलाए क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है और मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइसेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों चले साथ साथ। आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, लिटरली मॉइस गाड़ी चलाते हुए। यस डर लग रहा है। यस थोड़ा संभाल के, मैं लीना नहीं हूँ, मैं झटके लगे ऐसा ऐसा कुछ लगेगा नहीं तुझे, ठीक है संभाल के चला। सीधा बाहर सीधा चल। अभी हम नाइट लाइफ देखने वाले गोवा की, क्या करना चाहिए मेरा भाई? शायद खाना खा लेंगे और शायद क्लबिंग भी जाएंगे, देखते हैं भाई। ओके मैं अभी हाफ पैंट पहन के आऊंगा, क्या बोलते हैं? अरे ब्रो हाफ पैंट में भी तू मस्त लगता है, तो थैंक यू। फुल पैंट भाई, रुक जा, थोड़ा आगे रुका दे।